तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं फिर से अपनी यूनिट 1 ईवीएस पार्ट 3। प्लीज़ टेक आउट योर SR4 गाइस। योर SR4 इज नाउ रेडी। तो अब हम पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे SR4 पर कि क्या है। ओके, SR4 मतलब पहला पैराग्राफ हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था रिबकेज का। अब हम लिम्स शुरू करेंगे। ओके, लिम्स द आर्म एंड लेग आर नोन एज लिम्स। हमारे आर्म और लेग जो है वो लिम्स है। ओके, आर्म आर नोन एज फॉर लिम। आर्म जो है हाथ, उसको फोर लिम बोलते हैं। एंड लेग आर नोन एज हिंद लिम। लेग जो है वो हिंद लिम है। ओके, एट देयर एंड आर्म हैव हैंड्स ओ फिगर। जब वो एंड होते हैं वो फिगर होते हैं। वी लेग हैव फीट एंड टोस दैट थिंग बोन अल्सो कॉल्ड फ्यूमर। इन द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। पूरी बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन जो है वो फ्यूमर है। यूज यूज देखेंगे हम अब लिम्स का। ओके, अवर लिम्स हेल्प इन मूविंग अवर हैंड एंड लेग्स, डूइंग वर्क, वॉकिंग, पिकिंग अप दिस एंड राइटिंग। ओके, हमारे जो लिम्स है वो हमको मूविंग, लिखने के लिए मतलब काम करने के लिए, इन सब के लिए हेल्प करते हैं। नाउ लेट्स रीड थर्ड पैराग्राफ स्टूडेंट्स, ग्रिडल। ओके, थर्ड पैराग्राफ इज हियर, ग्रिडल। नाउ रीड ग्रिडल। ओ ग्रिडल इज अ बोन, अवर बोन कंटिन्यू कनेक्टिंग कनेक्टिंग अ लिम्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ अवर बॉडी। ग्रिल जेल जो है वो लिम से कनेक्टिंग है और हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देता है। द टू ग्रिडल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर। हमारी जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी, उसमें टू ग्रिडल है, दो ग्रिडल है, और पिक्टोरियल ग्रिडल एंड प्राइवेसी ग्रिडल। मतलब उनका शॉर्ट फॉर्म है शोल्डर ग्रिडल एंड हिप ग्रिडल। उनको शोल्डर ग्रिडल और हिप ग्रिडल बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखते हैं, दे हेल्प इन मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन। वो जो है हेल्प करते हैं हिलने के लिए और इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को मतलब प्रोटेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज़ टेक आउट योर वर्कशीट 5। योर वर्कशीट 5 इज हियर। नाउ रीड फर्स्ट पैराग्राफ जॉइंट्स। स्टूडेंट्स देयर इज जॉइंट। ओके, जॉइंट्स जॉइंट्स, हाँ लेट्स माई वॉइस इज करेक्ट। ओके, जॉइंट्स जॉइंट्स आर प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स कनेक्टिंग कनेक्ट। जॉइंट्स अलो मूवमेंट इन अवर बॉडी। अब जॉइंट्स जो होते हैं वो दो बोन कनेक्ट होते हैं, नहीं तो दो से ज़्यादा बोन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उसको जॉइंट्स बोलते हैं। टाइप ऑफ जॉइंट्स, अब टाइप ऑफ जॉइंट्स करेंगे। ऑल जॉइंट्स एक्सेप्ट दीज इन द स्कल। अब कैन मूव, अब स्कल में भी जॉइंट है। जॉइंट इन द स्कल आर कॉल्ड इनमूवेबल जॉइंट। जो हमारे स्कल में जॉइंट है वो इनमूवेबल जॉइंट है। ऑल अदर जॉइंट्स आर कॉल्ड मूवेबल जॉइंट्स।
और बाकी के जो जॉइंट्स हैं वो मूवेबल जॉइंट्स हैं। नीड ऑफ जॉइंट। ए जॉइंट्स आर नीडेड फॉर अस टू बी अबेल टू परफॉर्म वेरियस एक्शन लाइक वॉकिंग, ईटिंग एक्सेट्रा। जॉइंट्स जो है वो लगते हैं हमको अच्छे से परफॉर्म वेरियस एक्शन करने के लिए, जैसे कि चलना, खाना, मतलब जैसे कि चलना, खाना, दौड़ना, खेलना, ऐसे मतलब टाइप से जॉइंट्स के, ये सब के लिए लगते हैं जॉइंट्स। मतलब बी जॉइंट्स हेल्प अस मूव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड फॉर एग्जांपल द नी जॉइंट हेल्प अस इन मूविंग अवर नी फॉर साइड टू साइड। नी जॉइंट है वो हमारी एग्जांपल नी जॉइंट है, जॉइंट्स हमको हिलने के लिए हेल्प करते हैं। और अब एग्जांपल नी जॉइंट्स हैं जो हिलने के लिए हेल्प करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट। बॉल एंड स्कॉट जॉइंट इन अ कॉन्सेप्ट ऑफ टू बोन्स। वन बोन इज शेप लाइक अ बॉल एंड द अदर बोन इज शेप लाइक अ कप। द बॉल फिट इन द कप एंड मूव्स इट ऑल मोमेंट इन द डायरेक्शंस। तो ये बॉल एंड स्कॉट जॉइंट है जो टू बोन्स का जॉइंट है। वो एक बोन ना मतलब एक बॉल है, बॉल जैसी लग दिखती है उसका बॉल जैसा है, और दूसरी बोन जो है वो एक कप जैसी है। तो वो बॉल जो होता है ना वो कप में फिट होता है। सॉरी आपकी स्क्रीन मैंने मतलब बदली नहीं। हाँ तो बॉल जो होता है, देखिए मैं अब आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, ये है ना, तो ये है ऊपर का कप है, ये ऊपर का कप है और ये नीचे का बॉल है। तो ऐसे है। एग्जाम्पल शोल्डर एंड हिप जॉइंट। शोल्डर और हिप जॉइंट हमने सीखा था ना, वही ये एग्जाम्पल है। लेट्स दैट स्टूडेंट्स प्लीज सॉरी दैट प्रॉब्लम इज देयर। हिंग जॉइंट अ कॉन्सेप्ट ऑफ टू बोन्स। वन बोन इज राउंड लाइक अ सिलेंडर एंड द अदर बोन इज लाइक अ सिलेंडर एंड होल। द राउंडेड बोन फिट इन द होल बोन द मूव्स इन अ लॉस मोमेंट इन ओनली द बैक एंड फोर डायरेक्शन नॉट। एग्जाम्पल एल्बो एंड नी जॉइंट। ओके तो मैं आपको समझा देता हूँ, ये एक जॉइंट है जो टू बोन्स का जॉइंट है। वो जॉइंट जो है एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, आप इधर टोन में देख सकते हो, ये एक सिलेंडर जैसा है और नीचे का जो है वो सिलेंडर का होल जैसा है। तो ये ऐसे फिक्स होता है और फिर वो जॉइंट बनता है, जैसे कि एल्बो एंड नी जॉइंट के एग्जांपल्स है। ओके स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को जल्दी से जाके लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे 5 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो थैंक यू 5 सब्सक्राइबर के लिए। थैंक यू दोस्तों, और सब्सक्राइबर आते रहिए और आप लाइक भी करना। टीचर्स डे स्पेशल वीडियो पर 3 लाइक्स आए थे, थैंक यू। तो बाय 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 बाय, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हाँ आपको कुछ बताना है चिल्ड्रंस, कुछ दिनों के लिए मैं हिंदी और मैथ बंद कर रहा हूँ और मैं नहीं डालूंगा हिंदी और मैथ। मैं सिर्फ अब EVS का यूनिट 1 ख़त्म कर लेता हूँ, फिर EVS का यूनिट 1 ख़त्म हो या फिर मैं हिंदी का डालूंगा। हाँ फिर उसका यूनिट 1 ख़त्म करूँगा, ऐसे करूँगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, तो बाय बाय।